1921 में आज ही के दिन इंसुलिन के इंजेक्शन की खोज हुई थी। टोरंटो यूनिवर्सिटी के दो वैज्ञानिकों फेडरिक बैंटिंग और चार्ल्स बेस्ट ने इंसुलिन नाम के हार्मोन को इंसान के शरीर से अलग करने में सफलता पाई। इन वैज्ञानिकों ने कुत्तों पर पहले डायबिटीज बीमारी पनपाई और फिर उन्हें इंसुलिन के इंजेक्शन दिए। धीरे धीरे कुत्ते बीमारी से बाहर आ गए। 2 महीने बाद बैंटिंग ने यूनिवर्सिटी के ही दूसरे वैज्ञानिक JJR मैकलॉयड के साथ इंसुलिन का इंसान पर सफल परीक्षण किया। डायबिटीज से पीड़ित एक 14 साल का बच्चा चमत्कारिक ढंग से ठीक हो गया। इसके बाद टोरंटो यूनिवर्सिटी ने दवा कंपनियों को इंसुलिन बनाने का लाइसेंस दिया। यूनिवर्सिटी ने दरियादिली दिखाते हुए लाइसेंस के लिए कोई रॉयल्टी नहीं मांगी, उसे मुफ्त में दे दिया गया। 1992 में आज के दिन मशहूर फिल्म अभिनेता अमजद खान का निधन हुआ था। 1975 में रिलीज हुई फिल्म शोले के पात्र गब्बर से अमजद खान दर्शकों के दिलों में अपनी छवि बनाने में कामयाब रहे। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत बतौर बाल कलाकार 1957 में रिलीज हुई फिल्म अब दिल्ली दूर नहीं से की थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद अमजद निर्देशक के आसिफ के साथ असिस्टेंट के रूप में काम करने लगे। बतौर कलाकार अमजद खान की पहली फिल्म मोहब्बत और खुदा थी, जिसमें वो अभिनेता संजीव कुमार के गुलाम की भूमिका में दिखे थे। अपने 16 साल के फिल्मी करियर के दौरान अमजद ने लगभग 120 फिल्मों में काम किया। सुहाग, हम किसी से कम नहीं, चक्कर पे चक्कर, लावारिस, गंगा की सौगंध, बेशर्म, याराना, देश परदेश, शोले इनकी नायाब फिल्में हैं। 1996 में आज ही के दिन अमेरिका के अटलांटा शहर में आयोजित ओलंपिक खेलों में बम धमाका हुआ था। 27 जुलाई देर रात अटलांटा के सेंटेनियल ओलंपिक पार्क में दिन के खेल खत्म होने के बाद एक रंगारंग कार्यक्रम के दौरान यह धमाका हुआ। इस धमाके में 2 लोग मारे गए और करीब 200 लोग घायल हुए। ओलंपिक खेल से 3 महीने पहले तक यह जगह झोपड़पट्टी और गोदाम हुआ करती थी। फिर अटलांटा ओलंपिक समिति ने इस जगह को नए तरीके से विकसित कर इसे एक मनोरंजन केंद्र के रूप में तब्दील किया। खेलों की शुरुआत से रोजाना करीब 1 लाख लोग इस पार्क में आते रहे हैं। धमाके के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने कहा कि आतंकवाद के घृणित कृत्यों से अमेरिका डरेगा नहीं, खेलों को जारी रखना चाहिए। 2003 में अमेरिका के मशहूर हास्य कलाकार बॉब होप का निधन हुआ था। 100 साल के बॉब होप के निधन पर शोक जताते हुए अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने कहा कि आज अमेरिका ने अपने एक महान नागरिक को खो दिया है। लंदन में पैदा हुए पोप 4 साल की उम्र से अमेरिका में रह रहे थे, जहां वे बतौर हास्य कलाकार काफी मशहूर थे। इन्होंने फिल्म, टेलीविजन और रेडियो तीनों माध्यमों में काम किया। हालांकि वो कभी जीते जी ऑस्कर पुरस्कार नहीं हासिल कर पाए, लेकिन इनके निधन के बाद इन्हें सम्मान के लिए 4 बार ऑस्कर से नवाजा गया। होप अमेरिकी राष्ट्रपति कैनेडी, निक्सन, फोर्ड और रीगन के नजदीकी थे। 1962 में इन्हें कांग्रेस की ओर से मेडल ऑफ ऑनर भी दिया गया। इनकी याद में लॉस एंजलिस शहर के एक हवाई अड्डे का नाम बदलकर बॉब होप हवाई अड्डा रख दिया गया। 2015 में आज एक दिन भारत के पूर्व राष्ट्रपति, मशहूर वैज्ञानिक और इंजीनियर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का निधन हुआ था। कलाम 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। अब्दुल कलाम भारत के 11वें और पहले गैर राजनीतिक राष्ट्रपति थे, जिनको ये पद तकनीकी और विज्ञान में विशेष योगदान की वजह से मिला था। डॉक्टर कलाम ने भारत के विकास स्तर को 2020 तक विज्ञान के क्षेत्र में अत्याधुनिक करने के लिए खास सोच से रूबरू कराया। ये भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भी रहे। विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020, ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, भारत की आवाज, टर्निंग पॉइंट्स, हम होंगे कामयाब आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। विज्ञान में अहम योगदान के लिए इन्हें भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण सहित कई अन्य सम्मानों से नवाजा गया। और आज एक दिन 27 जुलाई हर वर्ष केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल विश्व का सबसे बड़ा और पुराना बल माना जाता है। 1939 को नीमच मध्य प्रदेश में इसकी पहली बटालियन स्थापित की गई। आजादी के बाद क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस को केंद्रीय रिजर्व पुलिस में तब्दील कर दिया गया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल आतंकवाद, नक्सलवाद और अन्य भयावह हालातों का सामना करने में सक्षम है। आज इसकी संख्या 1 से बढ़कर 217 बटालियन हो गई है। यह बल राज्य सरकारों की आवश्यकता अनुसार उनके प्रशासन की ओर से दिए गए आदेशों के मुताबिक कार्य करता है। बल का प्रमुख कार्य कानून व्यवस्था को बनाए रखना, अति विशिष्ट लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और देश के आंतरिक हिस्सों में असामाजिक तत्वों से निपटना है।